हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल रावत। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो से एक नई शुरुआत की है। अब हम एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो हर नए वीडियो में हर समय एक नया टॉपिक होगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैमिली, परिवार। अब हम फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? देयर आर 5 members in my family. मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। Is your family nuclear or joint family? आपका परिवार छोटा परिवार है या संयुक्त परिवार है? Nuclear यानी कि मम्मी पापा और बच्चे। संयुक्त परिवार में चाचा मामा सब आ जाते हैं। My family is a nuclear family. मेरा परिवार छोटा परिवार है। What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? My father is a government servant. मेरे पिताजी government servant है या doctor है। My father is self-employed. यानी कि उनका अपना छोटा सा व्यवसाय है, जैसे tailoring हो गए या वो taxi चलाते हैं। My father is retired. यानी कि retired person है। My father does job. मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। Is your mother a working woman? क्या आपकी मम्मी नौकरी करती है? नो, माय मदर इज ए होम मेकर। मेरी माँ एक गृहिणी है। पहले हम लोग हाउसवाइफ कहते थे, अब उसके लिए अच्छा और रेस्पेक्टेबल टर्म है होम मेकर, यानी कि जो घर को बनाती है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके कितने भाई बहन हैं? I have one brother and one sister. मेरा एक भाई और एक बहन है। Does your family usually have dinner together? क्या आपका परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, डिनर यानी कि रात का खाना? Yes, we do. हाँ, हम खाते हैं। My mother always prepare delicious meal. मेरी मम्मी हमेशा अच्छा खाना पकाती है या टेस्टी खाना पकाती है। मेरा आज का फ्रेज है निप इन द बर्ड। बर्ड यानी कि कली। कली की अवस्था में ही उसे खत्म कर दो। टू पुट ए स्टॉप एट द अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती अवस्था, प्राथमिक अवस्था में ही उस पर रोक लगा दो। बैड हैबिट्स मस्ट बी निप इन द बर्ड। बुरी आदतों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। His life would not have been ruined. उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती if his parents had nipped his waywardness in the bud. अगर उसके माँ बाप ने उसकी ये जिद्दीपना पहले ही कंट्रोल कर लिया होता या पहले ही रोक थाम लगा दी होती तो। फिर आते हैं अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। पहला है ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी यानी कि वहशीपना, दरिंदगी। उसका अपोजिट है ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। ये है ब्रूटैलिटी का एग्जांपल यानी कि दरिंदगी का, और ये है ह्यूमैनिटी का एग्जांपल यानी कि इंसानियत का। मेरे इस वीडियो का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल, उसे क्या कहते हैं, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जो अविश्वसनीय हो? इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने पूछा था
कि उस बीमारी को क्या कहते हैं, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी फास्ट इन ए गिवन एरिया, जो एक एरिया में तेजी से फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है एपिडेमिक। और इसका सही जवाब देने वाले हैं लतेश काले, प्रथमेश माने और खुशबू निर्मल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, कमेंट्स जरूर कीजिए, इससे मुझे फीडबैक मिलते रहता है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।